वहीं लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सपा के सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने कहा, अब गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जनतंत्र टीवी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे की खास बात, देखिए। पार्टी के सांसद विशंभर प्रसाद निषाद जी हमारे साथ हैं। लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट आ गई है, इस पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? समाजवादी पार्टी लगातार शुरू से मांग कर रही थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जिस दिन घटना हुई थी उस दिन लखीमपुर जा रहे थे, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ समाजवादी पार्टी के लोगों ने, मैं भी फतेहपुर में आंदोलन में शामिल रहा। अखिलेश जी जाके उनके पीड़ित परिवार से मिले और जाँच रिपोर्ट हमारा जो जाँच दल गया उससे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और गृह राज्य मंत्री के बेटे ने उन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्या की है। पहले सरकार तो उनको क्लीन चिट दे दिया, खुद गृह राज्य मंत्री कह रहे थे मेरा बेटा निर्दोष है। तो जब उन्हीं की सरकार ने एसआईटी ने दोष सिद्ध कर दिया है तो मैं योगी सरकार से प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि इसमें आप बोलिए और उनके ऊपर कब बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी, और उन पर और भी जो लोग शामिल हैं उन पर कब हत्या का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उन पर कब कार्रवाई कर रहे हैं, ये जनता प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री बनारस में हैं और अखिलेश यादव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जिंदगी के आखिरी वक्त में इंसान बनारस ही आता है। प्रधानमंत्री जी को संसद चल रही है, लोकसभा राज्यसभा में होना चाहिए। जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश की फेल हो गई है और चुनाव आने वाला है तो योगी जी को बचाने के लिए कि योगी जी के जो काले कारनामे हैं वहाँ बेटियाँ बच नहीं, लाइन अरे खराब है, किसानों की हत्याएं हो रही, अब इस इतनी ठंड में जो है किसान जो है अपने खेत में जो है ठंड में रात दिन अपनी फसल की रखवाली कर रहा है, तो जब चारों तरफ से फेल हो गई है तब मोदी जी उनके स्टार प्रचारक बनकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सरकारी बसों का, सरकारी रैलियों का, सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको यहाँ होना चाहिए और जिस तरह से पता नहीं वो कैसा बयान मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने जो बयान दिया है, हम तो पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से और योगी जी से कि 150 जिंदा गायें जो है 8 ट्रकों में भर करके मध्य प्रदेश की सीमा में जिंदा गाड़ने का काम किया, जिसमें भाजपा के ही नरेनी के विधायक ने जाके 2-3 गाय जिंदा गाय निकलवाने का काम किया, तो मोदी जी योगी जी कब उन गौ हत्यारों पे जो है बुलडोजर चलाएंगे, कब उन पे रास्का लगाएंगे, कब उन पे जो है कार्रवाई करेंगे, इस पे भी तो जरा बोलिए जाके। आप असली अगर हिंदू हो, असली गौ माता के समर्थक हो तो उस पे भी आप बोलिए। देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।